नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टारगेट ऑन पर। मेरा नाम है गौरव नारायण, बखूबी मेरे नाम से और मेरे काम से आप सभी परिचित होंगे। विगत कई सालों से मैं संस्थान में आप सभी को जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहां पर मैं भूगोल और पर्यावरण की कक्षाएं ले रहा हूं, और उन्हीं कक्षाओं के दौरान आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आज मैं आपसे जुड़ रहा हूँ सीकेट जो एक एग्जाम होने वाला है दिसंबर जनवरी में, है ना, जो कि एक केंद्र की पात्रता परीक्षा होती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। और इस परीक्षा में मैं प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही आपको पढ़ाऊंगा। प्राइमरी लेवल पर जो भी चीजें आती हैं, जैसे कि ईवीएस जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है, ईवीएस आता है, और जूनियर के लेवल पर जब आप जाते हैं तो वहां पर ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि प्राइमरी और जूनियर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। आज के टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूं एक ऐसे टॉपिक की, चाहे आप प्राइमरी का एग्जाम दीजिएगा, चाहे आप जूनियर का एग्जाम दीजिएगा, कहीं पर भी जाइएगा आप, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको सामान्यता क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत का मानचित्र आपके सामने है, भारत का मानचित्र लगा हुआ है, और इस मानचित्र पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न राज्यों के आधार पर भी पूछे जाते हैं और प्रश्न उनकी अवस्थिति के आधार पर भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ दिशाओं के आधार पर भी पूछे जाते हैं। तो एकदम बेसिक से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आपको हर एक क्लास मिलेगी इसी प्रकार बेसिक से मिली, है ना, बेसिक से क्लास मिलेगी। आप चाहे प्राइमरी का फॉर्म भरिएगा, चाहे जूनियर का फॉर्म भरिएगा, निश्चित रूप से यह क्लास आपके लिए लाभकारी होगी। चलिए प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं राज्यों के आधार पर प्रश्न बनते हैं, चाहे आप प्राइमरी लेवल पर जाइएगा चाहे जूनियर लेवल पर, राज्यों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। राज्यों की संख्याओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, केंद्र शासित राज्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, सागर के तट पर कौन कौन से देश स्थित हैं, कौन कौन से राज्य स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर कौन से राज्य, अरब सागर की तट पर कौन से राज्य, इस प्रकार से। आइएगा मैं बिल्कुल प्रारंभ करता हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है भारत का मानचित्र, मानचित्र पर आधारित भारत का मानचित्र, मानचित्र पर आधारित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न आपके इस वाले टॉपिक से आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम भारत के मानचित्र की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं भारत के राज्य। अगर हम भारत के राज्यों की संख्या की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा भारत में राज्यों की संख्या जो है वो 29 है। सही कह रहा हूं मैं, 28 है, याद रखिएगा 29 नहीं है। 29 मैंने क्यों बोला अभी आपको समझ में आ जाएगा। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, है ना। पहले भारत में राज्यों की संख्या 28 हुआ करती थी, एक राज्य जोड़ा जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना का जब गठन किया गया 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर दिया गया और भारत का 29वें राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया। तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है ना, लेकिन वास्तव में अभी 29 राज्य हमारे पास नहीं है। अभी हमारे पास जो राज्यों की संख्या है वो कितनी, वो 28 है। ये कैसे हुआ, 2014 में 28 राज्य थे, 2 जून को एक नया राज्य जोड़ा गया जिसका नाम तेलंगाना, तो राज्यों की संख्या हमारे पास निकल कर आ गई कितनी, 29। उसके बाद वर्ष 2019 में एक राज्य ऐसा है जिसका पृथककरण कर दिया गया, राज्य का नाम जम्मू कश्मीर। तो फिर 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य पृथककरण कर दिया जाता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर का पृथककरण कर दिया गया, तो पुनः राज्यों की संख्या कितनी हो गई, पुनः राज्यों की संख्या होगी 28। यहां पर एक बात याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, लेकिन अगर प्रश्न ऐसा बने, अगर प्रश्न ऐसा बने कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो भारत का अगर 29वां राज्य आपसे पूछा जाए तो भारत का 29वां राज्य आप तेलंगाना बताएं। भारत का 29वां राज्य कौन सा बताएंगे, तेलंगाना। आप कहेंगे सर 28 से 29 आप क्यों लिख रहे हैं, तो 2 जून को जब ये जुड़ा था तब 29 राज्य हो गए थे और 29वें राज्य के रूप में ही हमने तेलंगाना को स्वीकार किया। वो बात अलग है कि 28 से आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है
कि किसी राज्य को फिर से किसी दूसरे राज्य में शामिल कर दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। 28 राज्य हैं, लेकिन 29वें राज्य के रूप में गठन किसका किया गया था, तेलंगाना का, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके, बखूबी जान रहे हैं। राज्यों की संख्या 28 है, राज्यों की संख्या 28 से क्षेत्रफल की दृष्टि से कोई ना कोई सबसे बड़ा राज्य होगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। चलिए बताइए, तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, राम महान है यूपी के, राम महान है यूपी के, राम महान है यूपी के, यह एक ट्रिक याद रखिएगा, राम महान है यूपी के। तो रा का मतलब राजस्थान है, रा का मतलब राजस्थान है, मा का मतलब महाराष्ट्र, मा का मतलब यहां पर, सॉरी, मा का मतलब यहां पर मध्य प्रदेश है, यहां पर महा, महा से महाराष्ट्र आ गया, महा से क्या हो गया महाराष्ट्र, और यूपी से आ गया उत्तर प्रदेश, राम महान है उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य है, मैंने लिखा एक है लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने चार राज्य बता दिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए, अगर यहीं पर मैं कहूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, आप दो राज्यों के नाम याद रखिएगा, सबसे छोटा गोवा है और गोवा से थोड़ा सा बड़ा है सिक्किम, आप यहां पर दो याद रखिएगा, गोवा, अगर गोवा ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको सिक्किम ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, सिक्किम। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र देखते हैं, ये भारत का मानचित्र है। आगे वाली दिशा हमेशा याद रखिएगा पूरब है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। पीछे वाली दिशा याद रखिएगा पश्चिम होती है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, तो भारत के सबसे उत्तर में तो लद्दाख है, लेकिन लद्दाख राज्य थोड़ी ना है, लद्दाख तो क्या है, लद्दाख तो केंद्र शासित राज्य है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं राज्यों की, और लद्दाख क्या है, लद्दाख तो सर केंद्र शासित राज्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यों में सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा इस बात को, इस बात को याद रखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा ना लद्दाख होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य है, जबकि बात हो रही राज्यों की, ठीक है। चलिए तो इसको आगे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं, मान लीजिएगा भारत है सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए भारत का, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल है। सबसे पश्चिमी पूछा जाए, सबसे पश्चिमी, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाए, सबसे पश्चिमी राज्य, तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाए तो इसको, इसका नाम याद रखिएगा गुजरात। भारत का सबसे उत्तरी राज्य पूछा जाए, सबसे उत्तरी राज्य, स्थान नहीं कह रहा हूं, उत्तरी राज्य कह रहा हूं, तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य याद रखिएगा हिमाचल, हिमाचल है। और भारत का अगर सबसे दक्षिणी राज्य पूछा जाए, सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, तो याद रखिएगा भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, कौन सा तमिलनाडु, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको याद रखना है। ये राज्यों की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है राज्यों की, ठीक है। चल किसकी बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर याद रखना है बात हो रही है राज्यों की, ठीक है। राज्य कितने हैं, 28 है। सबसे उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे पूरब में कौन सा राज्य, अरुणाचल है। सबसे पश्चिम में कौन सा, गुजरात। और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु,
सबसे दक्षिण में भारत के कौन सा राज्य है, तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु राज्य स्थित। ठीक है, आइएगा एक बार मैपिंग करा देता हूं आपको, एक बार देख लीजिएगा कि कहां पर कौन सा राज्य। ठीक है, स्टार्टिंग में यहीं से करता हूं, सबसे उत्तर से, तो लद्दाख, लद्दाख से आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा बनती बिहार, बिहार से अलग हुआ है झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा बनती बिहार से, और बिहार से अलग हुआ है कौन सा? झारखंड। झारखंड के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है, तो कौन कौन से राज्य हैं भारत में जो समुद्र के किनारे हैं? जो राज्य समुद्र के किनारे होते हैं उन्हीं को हम तटीय राज्य, समुद्री राज्य के नाम से जानते हैं। तटीय राज्य कहते हैं उन्हीं को, कहते हैं समुद्री राज्य। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के आगे बढ़ेंगे उड़ीसा, उड़ीसा के आगे बढ़ेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के इस साइड देखिएगा केरल है, आगे बढ़िएगा कर्नाटक है, आगे बढ़िएगा गोवा है, गोवा के आगे बढ़िएगा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के आगे बढ़िएगा गुजरात। तो जितने भी ऐसे राज्य जिनमें मैंने मार्क किया है, ये सर्कल किया है, ये सभी राज्य आप देखिएगा समुद्र के किनारे हैं। कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का वह राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित है कौन सा राज्य जिसकी तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो अभी तो केवल हम राज्यों की बात कर रहे हैं, उसी में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम? गुजरात। गुजरात के आगे बढ़िएगा राजस्थान, राजस्थान के आगे बढ़िएगा दिल्ली, दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, आगे बढ़िएगा हरियाणा, और आगे बढ़िएगा पंजाब, और आगे बढ़िएगा पंजाब। ठीक है, चलेगा उत्तर प्रदेश आ जाइएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा बनती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा बनती है किससे? तेलंगाना। याद रखना है तेलंगाना, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है? तो देखो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश याद रख लेना, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, और यहाँ पर कर्नाटक, चार राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, जो अभी तक यहाँ बताए राज्य और केंद्रशासित राज्य, कुछ केंद्रशासित राज्यों की बात मैंने लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली की है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो ये आठ राज्य हैं, सिक्किम एक, असम दो, अरुणाचल प्रदेश तीन, नागालैंड चार, मणिपुर पांच, मिजोरम छह, त्रिपुरा सात, मेघालय आठ। तो जो आठ राज्य है, इन आठ राज्यों को नाम दिया जाता है क्या? इन आठ राज्यों को नाम दिया जाता है पूर्वोत्तर भारत। चाहे तो आप इन्हें पूर्वोत्तर भारत कहिएगा, चाहे आप इन्हें उत्तर पूर्वी भारत कहिएगा, एक ही बात है। चाहे तो पूर्वोत्तर भारत कहिएगा, चाहे उत्तर पूर्वी भारत कहिएगा, एक ही बात है। चलिए तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से। स्टार्टिंग करता हूँ मैं कहाँ से? स्टार्टिंग करता हूँ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, कौन से राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत हैं? पूर्वोत्तर भारत के राज्य, तो याद रखना है पूर्वोत्तर भारत में आठ राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य कितने हैं? पूर्वोत्तर भारत, या इनको उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं, राज्यों की संख्या आठ है। राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों की संख्या आठ है, याद रखिए। मैं इस प्रकार मानचित्र बना देता हूँ। ठीक है, चल यहां से, ये कौन सा राज्य है? तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। यहाँ पर कौन सा राज्य? सिक्किम है। यहाँ पर ये कौन सा राज्य? मेघालय हो गया, मेघालय। यहाँ पर कौन सा हो गया? असम हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम के बाद अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड हो गया। नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया, नागालैंड के बाद मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद मिजोरम हो गया, मिजोरम। और मिजोरम के बाद यहाँ पर जो राज्य हो गया, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, बहुत बार पूछे जाते हैं कौन से राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन से हैं? याद रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत आने वाले राज्य आठ हैं, आठ राज्य आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। ठीक है, अब इन आठ राज्यों में से अगर हम एक राज्य को हटा दें, आठ राज्यों में से अगर हम एक राज्य को हटा दें, तो राज्यों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो राज्यों की संख्या आ जाएगी कितनी? सात।
तो सात राज्य जो आएंगे एक राज्य को हटाने के बाद जो सात राज्य बचेंगे उन सात राज्यों को नाम दिया जाता है सेवन सिस्टर। तो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में वह कौन सा राज्य है जो सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, कई बार पूछा गया है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि सिक्किम राज्य जो है सिक्किम, सिक्किम सात बहनों या सात बहनों अर्थात सेवन सिस्टर में शामिल नहीं, अर्थात सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं, सात बहनें अर्थात सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। ठीक है, ये शामिल नहीं है सेवन सिस्टर में। कौन सा? याद रखिएगा सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं है। एक दो तीन चार पांच छह सात, ये सभी जो है वो किसके भाग है? वो ये सभी राज्य जो है जो सात बचे हैं इन सभी को सम्मिलित रूप से ही क्या नाम दिया जाता है? इनको ही नाम दिया जाता है सेवन सिस्टर। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू बताइएगा। ठीक है, अब आइएगा, लिखते हुए चलिएगा। आप मानचित्र में कहेंगे, मानचित्र में यहां दिखा दूंगा मैं आपको जूम करके। यहां देखिएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, आठ राज्य। ठीक है, मेघालय, आठ राज्य। अब इसके आगे बढ़ते हैं, भारत के तटीय राज्य, ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित हों। तो ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं ऐसे राज्यों को हम क्या कहते हैं? ऐसे राज्यों को हम तटीय राज्य कहते हैं। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या 9 है। पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, केरल 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और गुजरात 9। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो ऐसे राज्य जो समुद्र के किनारे स्थित हैं इन राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इन राज्यों की संख्या है 9। और इन्हीं राज्यों को क्या नाम दिया जाता है? इन्हीं राज्यों को नाम दिया जाता है तटीय राज्य या समुद्रवर्ती राज्य। तटीय राज्य कहिएगा या समुद्रवर्ती राज्य कहिएगा। ठीक है, तो तटीय राज्य। तटीय राज्य या समुद्रवर्ती राज्य, समुद्रवर्ती राज्य, तटीय राज्य या समुद्रवर्ती राज्य, संख्या संख्या 9 है। देखिए संख्या इनकी कितनी है? तो इनकी संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। उड़ीसा और उड़ीसा के बाद कौन सा? उड़ीसा के बाद हो गया पश्चिम बंगाल। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ राज्यों की संख्या, राज्यों की संख्या कितनी हो गई? तो राज्यों की संख्या हो जाती है 9। ठीक है, बनाइएगा इसको जल्दी से। ठीक है, राज्यों की संख्या कितनी? 9। अभी बताइएगा इन 9 राज्य फिर कैसे राज्य है? तटीय राज्य है। प्रत्येक राज्य की कुछ ना कुछ तटरेखा की लंबाई होगी, होगी या नहीं होगी? तो प्रत्येक राज्य की कुछ ना कुछ तटरेखा की लंबाई भी होगी। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी
रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, और सबसे छोटी या न्यूनतम तट रेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य। तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा है। कौन सा है? गोवा है। सबसे लंबी तट रेखा पूछा जाए तो गुजरात की है, और सबसे छोटी पूछी जाए तो गोवा की है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, शीर्ष तट रेखा वाला, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, शीर्ष तट रेखा वाला राज्य, शीर्ष तट रेखा वाला राज्य। तो आप बखूबी बता देंगे कि सर शीर्ष तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, लेकिन अभी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ है ना, अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शीर्ष तट रेखा वाला राज्य ऑब्लिक का निशान लगा है केंद्र शासित राज्य, ऑब्लिक का निशान लगा है और यहाँ पर लिखा है केंद्र शासित राज्य, शीर्ष तट रेखा वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित राज्य। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों में पूछ रहा है, राज्य और केंद्र शासित, तो यहाँ पर आप गुजरात आंसर नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर आपने गुजरात आंसर लगा दिया तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न हो जाएगा गलत, आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों में पूछा जाए तो सबसे लंबी तटरेखा है किसकी, केंद्र शासित राज्य, और केंद्र शासित राज्य का नाम अंडमान निकोबार। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार की है ना, केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार की है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा गुजरात, तो राज्यों में तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों में अगर पूछ ले तो नंबर एक पर आएगा कौन आपका, नंबर एक पर आएगा अंडमान निकोबार, फिर गुजरात, और उसके बाद आ जाएगा क्या, उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्यों में तो दूसरे नंबर पर है, गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए आंध्र प्रदेश, लेकिन राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों में पूछा जाए तो आप सही आंसर बताएंगे क्या, सही आंसर फिर नंबर एक पर अंडमान निकोबार, फिर गुजरात, और फिर आंध्र प्रदेश। क्लियर है, सारी चीजें आप पहले से जान रहे हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, चलिए अब प्रत्येक राज्य की कुछ ना कुछ तटरेखा की लंबाई होगी, तो प्रत्येक राज्य की कुछ ना कुछ तटरेखा की लंबाई होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए भारत की, अगर आपसे कहा जाए भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई या भारत की कुल तट लंबाई कितनी है, तो आप बताइएगा 6100 किलोमीटर है, यानी भारत के सभी राज्यों की तट रेखा की लंबाई जोड़ ली जाए तो एक कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी को हम ऐसा कहें, समझिएगा, अगर इसी में ऐसा आ जाए भारत की द्वीपों सहित, भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई, कुल तटीय लंबाई, भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई, द्वीपों सहित मतलब क्या है कि यहाँ पर द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार है, पम्बन द्वीप है, विलर द्वीप है ना, गंगा सागर द्वीप है, तो भारत के पास कुछ द्वीप भी हैं, जमीन के ऐसे टुकड़े जिनके चारों ओर पानी होता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम द्वीप कहते हैं, जमीन के ऐसे टुकड़े जिनके चारों ओर पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्वीप कहते हैं। सही कह रहे हैं ना, जमीन के ऐसे टुकड़े जिनके चारों ओर पानी होता है उनको हम द्वीप कहते हैं। तो अगर भारत के द्वीपों को भी मिला लिया जाए तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, इसके लिए आपको तीन आंकड़े याद रखने होंगे, कहीं कहीं पर 7515.5 किलोमीटर लिखा मिलेगा, कहीं पर 7516 किलोमीटर लिखा मिलेगा, और कहीं पर 7516.5 किलोमीटर लिखा मिलेगा, वो तीन आंकड़े लिखे मिल सकते हैं। ये अंतर क्यों है सर,
ये अंतर इसलिए है, द्वीप किसे कहते हैं, जमीन के ऐसे टुकड़े जिनके चारों ओर क्या हो, जिनके चारों ओर पानी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने के कारण कई सारे द्वीप डूब जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि समुद्र का वाटर लेवल कम होने से कई सारे द्वीप ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इनकी जो लंबाई है उसमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ठीक है, आंकड़ा इतना कठिन नहीं है कि आप याद ना कर सके, आंकड़ा इतना कठिन नहीं है कि आप याद ना कर सके, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक प्रकार का प्रश्न और बनता है, और यहाँ पर एक प्रकार का जो प्रश्न बनेगा वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि आगे वाली दिशा पूरब होती है और पीछे वाली दिशा क्या होती है, पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है। ये मैंने अभी आपको बताया कि आगे वाली दिशा क्या होती है, पूरब होती है, और पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व में क्या है, तो भारत के पूर्व में याद रखिएगा यहाँ पर भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। कौन कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पर है, कौन कौन से राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के तट पर है, एक क्वेश्चन पूछता है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित राज्यों की संख्या चार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। वो क्वेश्चन आया है कई बार, वो युग में पूछता है, तीन राज्यों का या चार राज्यों का युग में दे देगा, पूछेगा इन युग्म समूहों में कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर है, या इनमें से कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित नहीं है, इस प्रकार से कौन सा ही सुमिलित है, कौन सा ही सुमिलित नहीं है, इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो बंगाल की खाड़ी के किनारे कितने राज्य हैं, भारत के चार राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्लियर है। अब इसी प्रकार अरब सागर, कुल नौ है, तो अरब सागर के किनारे कितने हो जाएंगे भाई, नौ में से चार चले गए तो पांच बचे, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये किस सागर के तट पर हो जाएंगे, यहां पर याद रखिएगा भारत के पश्चिम में, यहां पर याद रखिएगा अरब सागर है, यहां पर कौन सा सागर है, तो यहां पर याद रखना है अरब सागर है। तो आप चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं आप लिख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी के तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य स्थित है, बंगाल की खाड़ी के तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य स्थित है, तमिलनाडु राज्य स्थित है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य स्थित है, जबकि अरब सागर के तट पर, जबकि अरब सागर के तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल, पांच राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्य स्थित है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्य स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े, अब बात करते हैं भारत के केंद्र शासित राज्य। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मुझे, मैं बताऊं, क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अच्छे से याद है, दिसंबर महीने में परीक्षा थी और क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2020 20 या 21 ऐसे ही कुछ है, 20 या 21 में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है, और वहां पर तीन तो राज्य दिए गए थे और एक केंद्र शासित राज्य दिया गया था, तो और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से भारत का कौन सा राज्य नहीं है, तो उसमें से कई सारे लोग कर लिए होंगे और 95% विद्यार्थी कर लिए होंगे, भाई राज्य और केंद्र शासित राज्यों के तो नाम याद होंगे ना, तो आइएगा मैं केंद्र शासित राज्यों की बात करता हूँ। भारत में वर्तमान में जो केंद्र शासित राज्य हैं इनकी संख्या आठ है, भारत में वर्तमान में केंद्र शासित राज्यों की संख्या आठ है, लद्दाख एक हो गया, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर दो हो गया, चंडीगढ़ तीन हो गया, है ना, चंडीगढ़ और दिल्ली चार हो गया, दमन, दीव और नागर हवेली पांच हो गया, लक्षद्वीप छह हो गया, अंडमान निकोबार सात हो गया, अंडमान निकोबार, और यहाँ पर अंडमान निकोबार सातवां हो गया, और यहाँ पर पुदुचेरी, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका विस्तार भारत के तीन अलग अलग राज्यों में है। तो केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, आठ, मैं आठ केंद्र शासित राज्य लिख दे रहा हूं, देखो लद्दाख, और लद्दाख की कैपिटल यहां लिख दे रहा हूं, लद्दाख की कैपिटल है लेह, जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी है क्या? चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, एवं दमन दीव। तो दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, कहीं कहीं पर इसकी राजधानी दमन लिखी मिलेगी और कहीं कहीं पर सिलवासा। तो आप याद रखिएगा सिलवासा, आप याद रखिएगा सिलवासा। पुदुचेरी, 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 और पुदुचेरी की कैपिटल क्या है? पांडिचेरी, याद रखिएगा। पुदुचेरी की कैपिटल क्या है? याद रखिएगा पांडिचेरी। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की राजधानी याद रखिएगा पोर्ट विलियर। अंडमान निकोबार कैपिटल याद रखिएगा पोर्ट विलियर, कैपिटल याद रखिएगा, यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट विलियर। बनाइएगा, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है, पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसका विस्तार भारत के तीन अलग अलग राज्यों में है। इसका एक जिला है माही, एक जिला है इसका माही जिला, और ये माही जिला इसका, इसको इस प्रकार से बनाते हैं माही जिला, और जो माही जिला है ये केरल में स्थित, माही जिला इसका कहाँ? केरल में। इसका एक जिला है जिसका नाम है यनम, इसी को यनम या नाम बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है यनम। इसका एक जिला है पुदुचेरी, जो कि इसकी, सॉरी पांडिचेरी, जो कि इसकी कैपिटल है पांडिचेरी, और पांडिचेरी के साथ साथ एक शहर है कराईकल, पांडिचेरी और कराईकल। तो पांडिचेरी और कराईकल शहर जो है ये आपके दोनों तमिलनाडु में है। तो पुदुचेरी जो केंद्र शासित राज्य है, पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य का विस्तार भारत के अलग अलग राज्यों में, पुदुचेरी, पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य, पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य, और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य का विस्तार भारत के अलग अलग राज्यों में है। माही जिला इसका केरल में, यह ना आंध्र प्रदेश में, पांडिचेरी और कराईकल कहाँ पर है? तो यह कराईकल लिखा है, कराईकल है ना, कराईकल कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, बनाइएगा। मैं एक बार और आपको मानचित्र दिखा देता हूँ, एक बार मानचित्र में आपको और प्रदर्शित करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मानचित्र देख लीजिएगा, ये देखो, ये यनाम लिखा है, ये आंध्र प्रदेश है, ये पुदुचेरी और कराईकल लिखा है तमिलनाडु है, और केरल में ये माही लिखा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है, या निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित राज्य नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है। तो और इसको याद रखिएगा, पुदुचेरी इसका विस्तार भारत के तीन अलग अलग राज्यों में है, उपनिवेश यहाँ पर अलग अलग देशों के थे, है ना, पुर्तगाल के थे, डच के थे। तो जैसे जैसे भारत से जाते गए, वैसे वैसे क्षेत्र आजाद होते गए और इन्हें भारत के किसी रियासत में नहीं मिलाया गया, स्वतंत्र छोड़ दिया गया, और फिर बाद में इनका एकत्रीकरण करके भारत का एक केंद्र शासित राज्य का निर्माण कर दिया गया, जिसका नाम है पुदुचेरी या पांडिचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी या पांडिचेरी। ठीक है। तो संस्थान में नया सीटेट का बैच प्रारंभ है, आप सभी अगर चाहें तो प्रवेश ले सकते हैं। दोनों ही आपको, दोनों ही तैयारी कराई जाएंगी, प्राइमरी लेवल की भी 1 से 5 तक जिसको आप बोलते हैं, और जूनियर 6 से 8 तक। आप देख रहे हैं कि जूनियर के क्षेत्र में लगातार वैकेंसी जा रही है, लगातार भर्तियां आ रही है ना। तो आपको क्या करना है कि प्राइमरी, कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका प्राइमरी पहले से है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जूनियर पर फोकस कीजिएगा और जूनियर में बेहतर नंबर लाइएगा। ठीक है। ताकि विभिन्न राज्यों में या प्रदेश में जो भी वैकेंसी आए, अगर जूनियर की आ सकती है,
आ रही है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बकाया संस्था के नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं। आज की क्लास में यही रखता हूँ। आगे का जो आपके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं पढ़ाता हूं मैं, है ना, इतना रहे कि चीजें आपको मिल जाएंगी एग्जाम में। तो अगले लेक्चर में मैं मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए करा दूंगा और एक भी फिर उसके से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में देखिएगा, ये जो भी आज मैंने टॉपिक आपको समझाया है इन यहाँ सभी से, इन सभी टॉपिक से आपके प्रश्न बने हैं सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। और आप प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को याद रखिए, ठीक है। आज यही रखते हैं, थैंक यू।